दोस्तों आज हम आ गए हैं घने जंगलों के बीचों बीच में एक बेहद अद्भुत स्थान पर। ये जो स्थान है इसको हजपुरी कहा जाता है और यह राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर के एक ब्लॉक है सरमथुरा, उसके पास बीहड़ों में स्थित है। बेहद रमणीय ये स्थान है और काफ़ी पवित्र स्थान है ये और चमत्कारी स्थान है। तो चलिए ये जो स्थान है यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि वो सभी भी इस तरह के इस खूबसूरत और रमणीय स्थान तक पहुँच सकें और ये जो स्थान है इसके दर्शन कर सकें। अम्मा हजपुरी बाबा पे जानो है, नहीं जानो हमें क्यों सीधे नहीं यही सड़क जाने सीधे। अच्छा खुदिया भी खुदिया पे तो रख गई पर। अच्छा खुदिया गांव है। हाँ नहीं नहीं जस्ट गांव तक पहुँचेगी ये। अच्छा और कितने गाँव में होगा फिर भैंते तो समझो कहते श्रवण था खुदिया पे। अच्छा ठीक है धन्यवाद। बीहड़ स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इस बीहड़ में रास्ता ढूंढना बेहद कठिन है, खासकर बरसात के मौसम में, जबकि पगडंडियां पानी से नष्ट हो जाती हैं। तो हमारा मार्गदर्शन ये बाबा कर रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमने इन बाबा को विदा बोल दिया है। ताकि हम इस सफ़र के रोमांच का मज़ा ले सकें। पूरा रास्ता ऐसा ही है गुमराह, कोई भी राहगीर नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ बीहड़ ही बीहड़। क्या फैले गया रहा? मट्टी में गचकत है। इस पूरी तरह से सुनसान स्थान पर दोस्तों ये जो आवाज़ है इस पानी के बहने की, उसे महसूस कीजिए। बेहद खूबसूरत ये जगह है, ये कोई बहुत ही अनोखा फूल है दोस्तों,
जो यहाँ पर इस घने जंगल के बीचों बीच में लगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं हजपुरी धाम। पहले यहाँ के इस रहस्यमय सोते की कल कल का आनंद लेते हैं, फिर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी, ये जो प्राकृतिक सोता है यहाँ से, ये हजपुरी जो धाम है इसके आसपास के जो निवासी हैं वो जल पान भी करते हैं और इस पानी को काफ़ी पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। ये जो पूरा स्थान है पूरे में ही फिसलन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जल का प्रवाह है ये हर मौसम में इसी तरह से बहता रहता है। तो जो नीलहरित शैवाल हैं ये यहाँ उत्पन्न हो गए हैं और ये जो काई है ये काफ़ी चिकनी होती है तो फिसलने का भी डर बना रहता है। ये हजपुरी धाम में सिद्ध बाबा की मूर्ति है और ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध बाबा ने ही यहाँ पर सबसे पहले आकर तपस्या करी थी और ये यहाँ पर पूरा शिव परिवार है और ये एक छोटा सा हवन कुंड है और साथ ही साथ यहाँ ये एक छोटी सी गुफा भी है और ऐसा कहा जाता है कि इन सिद्ध बाबा ने इस गुफा के अंदर ही रह कर के और तपस्या यहाँ पे करी थी। ये जो सिद्ध बाबा हैं इनको बनियाराम बाबा भी कहा जाता है और ये यहाँ के सेवक हैं जो कि पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय यहाँ पे कोई भी रुक नहीं सकता है, केवल दिन के समय में ही यहाँ पर पूजा अर्चना का काम किया जाता है। इसे हजपुरी धाम कहते हैं। सिद्ध बाबा की बड़ी महिमा है, यहाँ सबसे बड़ी महिमा पानी है। सिद्ध यहाँ पर कोई भी इंसान इस मनोकामना से आता है, पूरी मनोकामना पूरी होती है। यह एक कृत्रिम गुफा है जो कि बनियाराम बाबा ने बनाई और इसके अंदर से सीढ़ियां हैं जो कि हमें ऊपर ये जो तीन मंजिल का मंदिर बना हुआ है तो ये ऊपर तक हमें पहुंचा देती है। मुकंद बाबा भी अच्छा मूर्ति वगैरह है कोई मूर्ति तो पूजा या इस मंदिर की तीसरी मंजिल है जिस पर चढ़ने के लिए कुछ इसी तरह की व्यवस्था है, कोई सीढ़ियां नहीं है। और ये जो स्थान है इसको मुकुंद बाबा का स्थान कहा जाता है और मूर्ति कोई नहीं है, केवल गुफा है जहाँ पर बैठ के जो सिद्ध पुरुष हैं वो तपस्या कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो नीचे झरना है, उस झरने के साथ ही साथ ये पूरी एक नाला बना हुआ है प्राकृतिक और ये पेड़ आप देख सकते हैं धोखे ये पेड़ हैं और पूरा का पूरा जो जंगल है वो भी इसी तरह के पेड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, तमाम तरह के जानवर
पशु पक्षी यहाँ पर जलपान करते हैं। अच्छा, हमेशा पानी? हमेशा पानी रहता है। पानी देता है, पीने के काम में लेते हैं। हाँ, पीने के काम में, पीने काम में। हाँ, मान पहले संत रही थे, अब संत कहाँ थे, माथ रखा रखा भज जाते काम में। सही बात, सही बात है। हाँ, शनिचर मंगलवार रात। ये जो स्थान है काफ़ी गहराई में है और यहाँ पे ये प्राकृतिक सोता है जो हर मौसम में 12 महीने लगातार इस तरह से चलता रहता है। ये जो झरने हैं वहाँ से ऊपर की तरफ ये और स्थान बनाया गया है और यहाँ पर बालाजी का मंदिर स्थापित है, साथ ही साथ वहाँ लोगों के रहने के लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था करी गई है। यहाँ भी बहुत सारे भक्त लोग आते रहते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हनुमान चालीसा का पाठ लगातार यहाँ करते रहते हैं और ये हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करी गई है। आप देखें तो जो आगंतुक हैं या जो साधु संत हैं उनके रहने के लिए भी ये छोटा सा स्थान यहाँ पर बनाया गया है और इसके भीतर ही एक चूल्हा भी है जिस पर भंडारा वगैरह का जो आयोजन है वो भी चलता रहता है। पूरा प्राकृतिक यहाँ का ये स्थान है, स्थान है और धार्मिक स्थान है ये हजपुरी। हमारे जो रिश्तेदार थे नागा बाबा, उन्होंने भी 65 साल तपस्या की है। जंगल में ये तमाम पशु हैं, गाय आप देख रहे हैं। चारों तरफ का जो माहौल है काफ़ी हरा भरा और रमणीय है और अब हम जा रहे हैं एक माता का मंदिर और है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो हमें वहाँ मंदिर तक ले जाएंगे। गाड़ी तो नहीं लगाए तुम, दोस्तों हजपुरी धाम के ऊपर आने के बाद यहाँ एक छोटा सा और मंदिर है जो शेरावाली माँ का है, दुर्गा माता का। तो दोस्तों ये था घने जंगलों के बीचों बीच स्थित एक बेहद पवित्र और रमणीय स्थान जिसको हजपुरी धाम कहते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।